स्ट्राइक्स कर लगातार बड़े अटैक्स कर पूरे इलाके की क्या तस्वीर बना दी है आप देख सकते हैं। मैं और मेरा कैमरा पर्सन निशांत आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपिसेंटर बना हुआ है इस जंग का वहां हम मौजूद हैं। ये साउथ लेबनान तक या फिर आप कह सकते हैं कि बेरूत तक भी इस जंग की आंच या फिर उसकी तपिश पहुंच चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर वन बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी निधि, अंजलि, प्रतिमा और रवि भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ और ये अहम खबर जंग के मैदान से। इजराइल की एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों जारी। उधर लेबनान में जहां IDF ने हमला कर बड़ी तबाही मचाई है, वहां पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। रात भर लेबनान के बेरूत में इजरायली कहर बरपा। हम आपको लेबनान के वॉर जोन से TV9 रिपोर्टर सुमित चौधरी और वीडियो जर्नलिस्ट निशांत की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध में कुछ नहीं बचता, रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही। TV9 की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक हमले की एक एक तस्वीर पहुंचा रही है। आपके सामने जाबाज रिपोर्टिंग की ये 6 तस्वीरें। कितना जोखिम उठाकर TV9 संवाददाता सुमित चौधरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं सीधे लेबनान के खतरनाक वॉर जोन से, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और लेबनान के बेरूत पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष, जहां आज सुबह हमला हुआ वहां से आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बेरूत में आज भी इजराइल का हवाई हमला हुआ है। हमले वाली जगह से सुमित चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हिजबुल्ला के गढ़ से जाबाज रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। तो बेरूत लगातार टारगेट पर है। बेरूत में आज भी इजराइल का हमला हुआ है, हवाई हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। जिस जगह पर अटैक हुआ वो पूरा इलाका देखिए किस तरह से तहस नहस हो चुका है, तबाही देखने को मिल रही है। जो इमारतें इसकी जद में आई है इस अटैक में, यहां पर कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, सब कुछ तबाह होता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें जो भीषण तबाही की गवाही दे रही हैं, ये तस्वीरें जहां पर हवाई स्ट्राइक हुई, हवाई हमला हुआ, वहां पर सब कुछ तबाह होता हुआ दिख रहा है। तो तस्वीरें लगातार सुमित हमें भेज रहे हैं और तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार अटैक हो रहा है। बेरूत टारगेट पर है। बेरूत में अब तक कई तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन जो ताजा घटनाक्रम हुआ यानी ताजा अटैक हुआ है जहां पर रॉकेट से हमला हुआ, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पूरा इलाका जहां पर हवाई सर्वेक्षण हुआ, हवाई हमला हुआ, जब सर्वेक्षण किया गया सुमित के तरफ से, तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई, यहीं पर ही एयर स्ट्राइक हुई थी। और सुमित दिखा भी रहे हैं, घर, दुकान, लाइब्रेरी सब जमींदोज हो गया एक साथ जैसे ही अटैक हुआ। बेरूत विध्वंस के ये साक्षात प्रमाण हैं जो हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। जलते मकान आप देख सकते हैं, सब कुछ तहस नहस होता हुआ देख सकते हैं, सब कुछ तबाह होता हुआ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पहला न्यूज़ चैनल है जो लेबनान वॉर जोन से इस वक्त आपको फ्रेश रिपोर्टिंग करके ताज़ा विजुअल्स बता रहा है। और ये सुमित की ही तस्वीरें भेजी हुई हैं जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली बार आप ऐसी रिपोर्टिंग देख रहे हैं, तबाही के निशान आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लेबनान वॉर जोन में क्या इस वक्त तबाही का मंजर है। और एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सुमित चौधरी की। हम इस समय मौजूद हैं बेरूत के हारेट इलाके के अंदर, जिसने इसराइल ने अभी अभी थोड़ी देर पहले अटैक किया है। आप सायरन सुन सकते हैं, धुआं की गंध, मैं आपको बताऊं कि पूरे इलाके में थोड़ी देर पहले इस इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है, खासतौर पर इसराइल की तरफ से, क्योंकि इसराइल अब इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। और अगर आप देखें ये पीछे घरों के अंदर आग लगी आप देखेंगे, और ये पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। इस समय TV9 भारतवर्ष आपको लेबनान से, खासतौर पर बेरूत के आसपास के उन इलाकों से रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है जहाँ पर इस समय अटैक हुए हैं इसराइल ने। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो कि ये पूरे इलाके पर अभी बम्बारमेंट की गई
हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारी बिल्डिंगों को खाली कर दिया है। ये बेरूत के पास के वो इलाके हैं ताहिया के, जहाँ पर लगातार इन इलाकों में अभी इसराइल की तरफ से अटैक किए गए हैं। ये हेरेट है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हेरेट के इस इलाके में इसराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ ही मिनटों में यहाँ के लोग यहाँ से खाली करते हैं। अगर आप देखें, ये देखिए, अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊँ, क्या इलाका है, पूरी तस्वीर आप देखें कि सारी की सारी जो शॉप्स हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, लोग यहाँ से खाली करके इन इलाकों को जा चुके हैं। और ये देखिए, दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ पर जो है, एवरीबडी फ्लू फ्रॉम दिस एरिया, नोबडी इज देयर। ओके, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अलार्म बज रहे हैं यहाँ पर। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत इस समय यहाँ मौजूद हैं और ये देखिए, अभी हालांकि जो हालत है, आलम है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। ये बेरूत के इलाका है जहाँ पर अभी रात में और सुबह भी अटैक किए गए हैं। चलिए, मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय बेरूत के इलाकों में, या फिर आप कह सकते हैं लेबनन के इलाकों में, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी इलाका, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है। निशांत, आइए, और ये तस्वीरें हैं इस समय बेरूत की, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसराइल के अटैक किस तरीके से किए गए हैं। और देखिए, अभी हालांकि इसराइल ने तरफ, देखिए ये सारों घरों पर अटैक हुए हैं, वो देखिए धुआं, और वो है अभी यहाँ की तस्वीरें। और कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से थोड़ी देर में यहाँ पे बड़े अटैक इनिशिएट किए जाएंगे। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि इस इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल अब से थोड़ी देर बाद इन इलाकों को अटैक करने वाला है। और हिजबुल्ला के सबसे सुरक्षित इलाके से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जहां से रिपोर्टिंग वहां कुछ देर पहले अटैक हुआ था। दाहिया में अब भी कई इमारतें धधक रही हैं। हम इस समय दाहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरल्ला की फोटो आप देखेंगे, हजरत नसरल्ला की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नजर आ जाएंगी। और खास बात यह कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दाहिया के अंदर। दाहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्ला का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्ला ऑपरेट करता है, जहाँ के हर घर के अंदर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और यही आप देखें, इन घरों को अटैक किया गया है। और इसराइल हमेशा ये कहता आया है कि इन इलाकों के अंदर से हमास जो है वो ऑपरेट कर, हिजबुल्ला जो है ऑपरेट करता था, और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट करता है। अगर आप देखें यहाँ पे जो मलबा पड़ा हुआ है, या फिर आप तस्वीरें देखें, ये हर जगह इस तरीके की नसरल्ला की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये एक तरीके का चिन्ह है, एक तरीके का इंडिकेशन है। और अगर आप देखें यहाँ पर हिजबुल्ला के पोस्टर्स या उसके फ्लैग्स भी आपको नजर आ जाएंगे। ये दिखाने की कोशिश है कि ये इलाका हमारा है। हिजबुल्ला इसी तरीके से अपने इलाकों को कमांड करता था, और अब जिस तरीके से अटैक हुआ है उसके बाद की तस्वीरें अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कई बैग्स या फिर कई चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्वेलेंस का काम होता था। अगर आप देखें, बड़े बड़े आपको यहाँ पर कैमराज, आपको केबल्स और आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा था इसराइल की तरफ से कि उसने इस इलाके को इसीलिए अटैक किया, क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ से लगातार हिजबुल्ला जो है वो सर्वेलेंस करता था। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे और समझेंगे कि इस समय के हालात क्या हैं। ये दाहिया का इलाका, अगर आप देखें ऊपर, वहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर आपको देखें तो, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, तो धुआं उठता आपको नज़र आ जाएगा। इन इलाकों को भी अटैक किया है रिसेंटली, और इन पूरे इलाकों में आपको ऐसे धुएँ के गुब्बार कई जगह नज़र आ जाते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आखिरकार इस समय क्या स्थिति है इस इलाके की, जो एक समय में सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ी जगह मानी जाती थी हिजबुल्ला की, जहां पर हिजबुल्ला बड़े सेफली बहुत आराम से काम कर लिया करता था। और अब इस इलाके की हालत क्या है, अब इस समय की इस इलाके की तस्वीर क्या है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हिजबुल्ला, जिस इलाके को सबसे सेफ जा मानता था, जहाँ पर वो किसी को भी आने नहीं देता था, जिसको लगता था कि वो इलाका सबसे ज़्यादा सेफ है, उसके उसी इलाके में इसराइल ने स्ट्राइक्स कर लगातार बड़े अटैक्स कर पूरे इलाके की क्या तस्वीर बना दी है आप देख सकते हैं। मैं और मेरा कैमरा पर्सन निशांत आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अभी क्या चीज़ें हैं। देखिए, अभी हालांकि मैं आपको ये भी दिखा दूँ, उसके आसपास के कुछ सिविलियन एरियाज को भी क्या नुकसान पहुंचा इससे। हालांकि ये बेबी शॉप थी कहा जा रहा है, और देखिए, और ये अगर आप देखें ब्यूटी एंड स्पा शॉप है, और ये दूसरी जो शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप, सब कुछ यहाँ पर तबाह हो चुका है।
ये धाइया का इलाका है। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि धाइया का इलाका हर किसी के जहन में, मैं भी जब पहले आया था तब यहाँ पर एक महीना पहले मुझे यहाँ पर घुसने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। ये इलाका बहुत क्लोजली हिजबुल्ला मॉनिटर करता था, लेकिन अब ये हालात हैं कि इन इलाकों में कोई भी नहीं है, अब इन ये इलाके खाली हो चुके हैं। तो लहूलुहान लेबनान की एक एक तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। टीवी पर पहली बार इस बीच हिजबुल्ला का तबाह गढ़ आपके सामने होगा, जो अटैक का एपिसेंटर, वहां से लगातार अहम रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी 9 संवाददाता की साहसिक रिपोर्टिंग आपके सामने। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि अब ये पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर, और सारे लोग यहाँ के भाग चुके हैं क्योंकि लगातार मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूत के पास का इलाका दाहिया ही है। और अगर आप देखें बड़ी बड़ी इमारतें जो मैं दिखा रहा हूँ ये खाली हो चुके हैं, इनको अटैक किया गया है। और एक और चीज़ अगर आप देखें, ये दुकानें जो सिविलियन एरियाज में खासतौर पर जो लोगों की हुआ करती होगी वो भी कैसे बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। हालांकि इसराइल हमेशा ये दावा करता है कि इन्हीं इलाकों से सिविलियंस के बीच में रहकर हिजबुल्ला बड़े ऑपरेशंस को चलाता था और इसी वजह से उसने इन इलाकों को टारगेट किया। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपिसेंटर बना हुआ है इस जंग का, वहाँ हम मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ऊपर दिखाएं पूरा इलाका, अगर तरीके से देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा कि क्या तस्वीरें हैं। निशांत, अगर आप वहां आए, मैं वहां पर अपने दर्शकों को जाके दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इस समय की क्या ताजा हालात वहां पर इस समय मौजूद हैं। और ये देखिए, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट ये है अपने दर्शकों को ये दिखाना कि इस समय क्या चीज़ें हैं यहाँ की। देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलाके में एक ही जगह पे किए हो, ये हर तरफ ये तस्वीरें। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें कि इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये नसरल्ला का गढ़ माना जाता था, और यहाँ पर अगर देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस समय के अभी जो ताज़ा हालात हैं वो कैसे हैं। सुबह से लेकर अब तक मैंने कई बार समीर आवाज़ें सुनी, लगातार मैंने देखा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, और उसी के बाद हम इन इलाकों में पहुँचे हैं। हालांकि देखिए, कहा यह जा रहा है, इसराइल ने ये भी कहा है कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं नज़र आएंगे, आपको सारे इमारतें खाली नज़र आएंगी, क्योंकि इसराइल का मानना यह है कि इन सभी इमारतों में कहीं ना कहीं हिजबुल्ला ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। और दाहिया में जहां एंट्री मुश्किल, वहां टीवी 9 की टीम जिस इलाके में भारी सुरक्षा, उसका नक्शा बदला। दाहिया में चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर। अगर आप देखें उधर की तरफ तो ये इमारतें, जो दूसरी इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, और हर दूसरी गली में, हर दूसरी जगह पर आपको इसी तरीके से जमींदोज इमारतें मिल जाएंगी। ये दाहिया का वो इलाका है समीर, जब मैं एक महीने पहले इस इलाके में आया था तब मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर घुसना या फिर इस इलाके में एंटर करना बहुत मुश्किल था, बहुत क्लोज सर्विलेंस हिजबुल्ला उस समय करता था। हिजबुल्ला के लिए इस इलाके एक तरीके का सेफ जोन माने जाते थे, लेकिन अब आलम यह है कि ये इलाके पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब ये ऐसी हालत हो चुकी है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर टूटी हुई इमारतें नजर आएंगी, जो लगातार हिजबुल्ला के बर्बाद आप कह सकते हैं कमांडर कंट्रोल सेंटर नजर आएंगे, और वो तस्वीरें नजर आ जाएंगी नसरल्ला की या दूसरे कमांडर्स की जो अब तक मारे जा चुके हैं। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको बताती हैं कि इस जंग के मैदान में अब कैसे, पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ साउथ लेबनन तक लिमिटेड है, लेकिन अब ये बेरूत तक भी आ गया, दाहिया का इलाके तक पहुंच चुकी है। और ये पूरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं बेरूत में। हर रात बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं आसपास के साउथ सब्स में, और ये इसलिए क्योंकि इसराइल को जहां जहां लगता है कि यहां पर हिजबुल्ला की मौजूदगी है, इसराइल वहां पर अटैक कर देता है। तो बेरूत के उस खतरनाक जोन में पहुंच चुके हैं सुमित चौधरी, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। बेरूत की लाइब्रेरी में भी भीषण हमले हुए। आईडीएफ के हमले में लाइब्रेरी पूरी तरह से तबाह हो गई। लाइब्रेरी के पास से टीवी 9 भारतवर्ष की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, हमले वाली जगह पर पहुंचे सुमित चौधरी। मैं इस समय जहां मौजूद हूं हेरात के अंदर, जहां से निकलने की कोशिश की, यहां पर देखिए किस तरीके से अटैक हुआ, और ये एक लाइब्रेरी बताई गई है कि लाइब्रेरी थी जो पूरी तरीके से ये बर्बाद हो चुकी है, और ये आलम है इस समय यहां पर मौजूद चीज़ों का।
ओके और अभी हमको मना किया गया है, बोला गया है कि निकलो यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ पर अभी इसराइल और बड़े अटैक्स करने वाला है, तो यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। हमें बोला गया तुरंत यहाँ से आप निकलिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर इसराइल अटैक करेगा। और ये देखिए निशांत, ये टेडी बियर से खिलौने बच्चों के हुआ करते होंगे, जो इस पूरी जंग में आप देखिए वहाँ पर भी अगर आप देखें बच्चों के छोटे छोटे आपको ये टेडी बियर्स नज़र आ जाएंगे, और उधर देखिए आप, आपको वो बच्चों के खिलौने नज़र आ जाएंगे। और ये एक खिलौनों की शॉप शायद हुआ करती होगी, लेकिन अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। एक घर हुआ करता होगा किसी शख्स का जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता होगा, वो भी बर्बाद हो चुका है। वो लाइब्रेरी मैंने आपको दिखाई कि वो लाइब्रेरी थी एक छोटी सी बच्चों के पढ़ने के लिए, वो भी बर्बाद हो चुकी है। तो ये जंग के हालात या जंग के मैदान में हालात होते हैं जहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है दोनों तरफ का, और फिर भी लोग लड़ते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, हार्ड रियलिटी है।